ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले स्वाद बिहार का। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में 5 की 5 सीटों पर हम लोगों ने जीत हासिल की है, इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए विधानसभा के चुनाव में हम लोगों ने यह समीक्षा बैठक रखी। तैयारी आप लोग करते हैं, बैठक पर बैठक होती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो बाहरी को टिकट दे दिया जाता है, बिहारी को दे दिया जाता है, बाहरी को नहीं। निश्चित तौर पे विधानसभा के चुनाव में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के संसदीय बोर्ड की बैठक आज पटना में हो रही है, आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर तैयारी चले। तस्वीरों में साफ देखिए जो कार्यकर्ता है वो इस हॉल में पहुंचे हुए हैं दरोगा राय पार्क में, और जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे हैं पूरे कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर संसदीय बोर्ड की बैठक है उसमें 2025 को लेकर क्या प्लान है। उल्लास पांडे जी से बात करें, किस तरह की तैयारी चल रही है 2025 के लिए? 2025 के लिए बूथ स्तर तक हमारी पार्टी ने तैयारी कर रखी है और उसी का समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। अभी सभी जिला अध्यक्ष संसदीय बोर्ड के यहाँ आए हैं, प्रदेश के जिला के सभी पदाधिकारीगण हैं और सभी प्रकोष्ठों के सम्मानित अध्यक्ष हैं। ये इसी बात की समीक्षा हम लोग कर रहे हैं कि हमारा दल संगठन के माध्यम से बूथ स्तर पर अपने विधानसभा के प्रत्याशियों को जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में 5 की 5 सीटों पर हम लोगों ने जीत हासिल की है, इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए विधानसभा के चुनाव में हम लोगों ने यह समीक्षा बैठक रखी। तैयारी आप लोग करते हैं, बैठक पर बैठक होती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो बाहरी को टिकट दे दिया जाता है, बिहारी को दे दिया जाता है, बाहरी को नहीं। आप लोग ये बात समझिए कि हमारे नेता का विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, और बिहार फर्स्ट किया है। अगर समस्तीपुर से शाम्भवी चौधरी बिहार की ही नहीं पूरे देश की सबसे कम उम्र की बेटी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सीट पर चुनाव जीतकर अगर संसद में पहुंची है तो ये बिहार के लिए गौरव की बात है, हमारे पार्टी के लिए गौरव की बात। विधानसभा में क्या होगा, इस बार बिहारी को टिकट दिया जाएगा? फिर बिहारी, हम बिहारी की बात करते हैं, बिहारी की बात करते हैं भाई। हमने कहा कि समीक्षा में बड़े मजबूती से सभी जिला अध्यक्ष ने अपनी बात रखी है कि पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी को ही अपने दल से चुनाव लड़ाना है, और इस बात को हम लोग मजबूती से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखेंगे कि पार्टी के वैसे विधानसभा सीटों पर जहां पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे प्राथमिकता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की होनी चाहिए। यानी एक बड़ी बात कह रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव जो होगा 25 में उसमें पार्टी के कार्यकर्ता ही शामिल होंगे? निश्चित तौर पे विधानसभा के चुनाव में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान के पास आप ये बात रखेंगे आप लोग? बड़ी मजबूती से, हम ही नहीं हमारे संसदीय बोर्ड के सम्मानित सभी सदस्य इस बात को मजबूती से रखेंगे। क्या लग रहा है चिराग पासवान आपकी बात मान सकेंगे? बिहार के हित में है, दल के हित में है, और वो हमेशा कहते हैं कि सबसे ऊपर राष्ट्र हित है, फिर अपना दल का हित देखना है, और इसके बाद कोई हित होता है। तो राष्ट्र के लिए जो हित है वो तो सब कर ही रहे हैं, दल के हित में अगर पार्टी के हित में है कि पार्टी के पदाधिकारी और सदस्य चुनाव लड़े तो निश्चित तौर पे उसको गौर करें। एक सवाल ये भी है, एनडीए में रहे कि भी चिराग पासवान का स्टैंड कभी कभी अलग हो जाता है? नहीं, देखिए हर पार्टी के सिद्धांत अलग होते हैं और नीतियाँ अलग होती हैं, पार्टियों की अपनी नीति और सिद्धांत के चलते कुछ मुद्दों पर पार्टी को अपना स्टैंड रखना पड़ता है। चलिए, तो ये उल्लास पांडे जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार जो पार्टी है, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्हें ही मौका दिया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए, बाहरी व्यक्ति को इस बार नहीं चुनाव लड़ाया जाएगा, इनका कहना है, और चिराग पासवान को अपनी बात ये रखेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या 2025 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के ही सभी पदाधिकारी जो कार्यकर्ता है वही चुनाव लड़ेंगे या बाहरी इस बार भी शामिल हो सकते हैं। सुजीत कुमार, बिहार तक।